अंदर दा मीडिया सोशल प्रिंट ते इलैक्ट्रॉनिक जिन्ने भी मंचां नूं तुसीं रीप्रजेंट करदे हो सारयां दा धन्नवाद स्वागत। अज आम आदमी पार्टी वल्लों साडे नैशनल कन्वीनर देश दे क्रांतिकारी दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आए ने, क्योंकि दिल्ली देश की कैपिटल है। सो दिल्ली दे विच जो शहर दे विच जो सुधार होए, भावें वह पहला पानी नहीं मिलता सी, सीवेज की प्रॉब्लम सी, स्ट्रीट लाइटां ये वो मुश्किलां उही पंजाब दे शहरां दियां भी ने, आवारा पशु, सीवरेज की प्रॉब्लम और ट्रैफिक जैम और महंगी पार्किंग फीसा। सो अज शहरां नाल संबंधित कुछ गरंटियां आम आदमी पार्टी वल्लों दित्तियां जाणगियां। असी व्यापारियों नूं भी मिले, किसानों नूं मिले, बेरोजगारों नूं मिले, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, ट्रक यूनियनों वाले, हर वर्ग नूं असीं रिप्रेजेंट कर लिया। ऑलरेडी उन्हां दियां मुश्किलां सुन लिया ते हल भी उन्हां तों सुन ले, ते वो बकायदा तौर पर जिहड़ा साडियां गरंटियां दे विच और मैनीफेस्टो दे विच आ गया। अज शहरी लोगों के मुश्किलां प्राइवेट स्कूलों दियां होण, चाहे वो सरकारी स्कूलों की मंदी हालत। सो शहरी लोग जिहड़े शहरां च रहिंदे ने उन्हां दे संबंध च कुछ गरंटियां ने। मैं चाहूँगा साडे नैशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी उन्हां गरंटियां बारे जानना पाओ। इस टाइम पंजाब में दो किस्म की राजनीति चल रही है। एक वो पार्टियां हैं जो केवल और केवल गंदी राजनीति कर रही हैं, भ्रष्टाचार कर रही हैं, गाली गलौज कर रही हैं, और दूसरी आम आदमी पार्टी है जो लोगों के सामने पंजाब के विकास का और भविष्य का एजेंडा लेके आई है और पूरी प्लानिंग कर रही है। हमें भ्रष्टाचार करना नहीं आता, हमें गाली गलौज करनी नहीं आती, हमें गंदी राजनीति करनी नहीं आती, हमें काम करना आता है। हमने दिल्ली में काम करके दिखाया। तो अभी तक मैं इतनी बार पंजाब आया, भगवंत मान जी के साथ मैंने लंबी लंबी मीटिंग्स करी, हम दोनों कई लोगों से मिले, व्यापारियों से मिले, हम दोनों मिलके किसानों से मिले, हमने अलग अलग तबके को अलग अलग गारंटियां दी हैं कि आने वाले पंजाब के अंदर उस तबके को कैसे विकास किया जाएगा। पंजाब में 26 साल कांग्रेस ने राज किया, 19 साल बादल परिवार ने राज किया, तो उन्होंने तो जो करना था कर लिया। अब 26 साल जब कांग्रेस ने राज कर लिया तो उनको और 5 साल देने से तो कोई फायदा नहीं, उन्होंने कुछ अब नया तो करना नहीं है, जो करना था कर लिया। 19 साल जब बादल परिवार ने राज कर लिया तो उनको और कुछ देने से तो कोई फायदा नहीं, 5 साल और खराब होएंगे। आम आदमी पार्टी इतना शानदार एजेंडा लेके आई है जो कि जनता को पसंद आ रहा है, एक कट्टर ईमानदार पार्टी है, अच्छी पार्टी है, तो 5 साल के लिए आम आदमी पार्टी एक मौका मांग रही है। हमें शहर के कई लोगों ने अप्रोच किया, उन्होंने कहा जी आपने सभी को गारंटी दी, शहर के बारे में आप कुछ नहीं बोले। और पंजाब में कई अच्छे अच्छे शहर हैं, अमृतसर है, लुधियाना है, जलंधर है, पठानकोट है, कई सारे, बठिंडा है, बहुत सारे शहर हैं। तो शहरों को लेके आज 10 गारंटी, 10 पॉइंट गारंटी हम लेके आए हैं। सबसे पहले साफ सफाई, पंजाब में शहरों की सफाई की हालत बहुत खराब है, चारों तरफ गंदगी है। पंजाब के शहरों को साफ सुथरा, शानदार, अच्छा, सुंदर बनाएंगे। जब मैं सफाई की बात करता हूं तो उसमें सीवर भी आता है, उसमें गार्बेज डिस्पोजल भी आता है और उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी आता है। इन सारी चीज़ों को ठीक करेंगे।
दूसरा है डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, ये दिल्ली में हमने किया। आप जब सरकारी दफ्तर में जाते हो कोई काम कराने के लिए, तो आप फॉर्म भरते हो, लाइन में लगते हो, आपका नंबर आता है, तो वो बाबू बैठा हुआ दो ऑब्जेक्शन लगा देता है। आप फिर घर आते हो, ऑब्जेक्शन दूर करते हो, फिर लाइन में लगते हो, छुट्टी लेके जाते हो, दूसरी छुट्टी लेते हो, फिर वो दो ऑब्जेक्शन लगा देता है। फिर हार के आदमी दलाल को पकड़ता है, कहता है यार पैसे ले, मेरा काम करा। दिल्ली में हमने सरकारी दफ्तर बंद करते जा रहे हैं। अब आपको सरकारी दफ्तर आने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में हमने एक नंबर जारी किया है 1076, आप लोग दिल्ली जाओ तो दिल्ली में फोन करके देख लेना इस नंबर पे। उस पे अगर आप फोन करो तो आपसे पूछते हैं कि जी आपको सरकार में क्या काम कराना है, तो आप कहते हो मेरे को राशन कार्ड बनवाना है, तो वहां से कहा जाता है कि राशन कार्ड बनवाने के लिए ये कागज तैयार कर लो। फिर वो पूछता है जी कब तक तैयार हो जाएंगे आपके कागज, हम आपके घर कब आए। मतलब कि दिल्ली सरकार का अफसर पूछ रहा है कि आपके घर आपका राशन कार्ड बनाने कब आए। मान लो आप कहते हो कि जी मैं तो दफ्तर जाता हूं, लेट आता हूं, रात को 11 बजे आना मेरे घर, तो रात को 11 बजे दिल्ली सरकार का एक ऑफिसर आपके घर आपका राशन कार्ड बनवाने आता है। आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, सरकारी दफ्तर लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। वो एक स्कैनर लेके आता है, जितने आपके कागज है वो स्कैनिंग करके वो कागज ले जाता है, और आपका राशन कार्ड हफ्ते 10 दिन के अंदर आपके घर पहुंच जाता है। कोई किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं, कोई किसी को लाइन में लगने की जरूरत नहीं, छुट्टी लेने की जरूरत नहीं, दलाल के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, साफ सुथरा सिस्टम है। और अब हमने जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उसके तो सारे दफ्तरों के ऊपर ताला लगा दिया, अब जनता को आने की जरूरत नहीं है। वही जैसे दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में भी डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज शुरू करेंगे। तीसरी चीज, कई शहरों के अंदर कई कॉलोनियां ऐसी हैं, इलाके ऐसे हैं, मार्केट ऐसी हैं, जहां तारें लटकी पड़ी हैं, बड़े उनके जंजाल बने पड़े हैं तारों के, वो सेफ्टी के लिए भी एक खतरा है और खूबसूरती के लिए भी, मतलब गंदे लगते हैं वो। तो दिल्ली में पिछले बजट में हमने ये खत्म करने का बजट अलग से रखा है। दिल्ली में भी चांदनी चौक है और ऐसे कई सारे इलाके हैं जहां तारे ही तारे हैं, उनको सबको अंडरग्राउंड कर रहे हैं, तो पंजाब में भी ऐसे तारों को सबको अंडरग्राउंड करेंगे। चौथा है, पंजाब के शहरों में जितने हॉस्पिटल हैं सरकारी, उन हॉस्पिटल्स को अच्छा करेंगे, और दिल्ली की तर्ज पे हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। जैसे दिल्ली में अस्पताल अच्छे किए, ऐसे पंजाब के अंदर सरकारी अस्पताल इतने अच्छे करेंगे कि अगर आप कोई बीमार होता है तो आपको फिर मैक्स, फोर्टिस, अपोलो जाने की जरूरत नहीं है, आप सरकारी अस्पताल में जाना, आपका सारा इलाज मुफ्त होगा। पांचवा, जैसे दिल्ली में स्कूल अच्छे करे, ऐसे शहरों में जितने सरकारी स्कूल हैं वो सरकारी स्कूल इतने अच्छे करेंगे कि जैसे दिल्ली में अब मिडिल क्लास के लोग भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेज रहे हैं, आपको भी अब महंगी महंगी फीस देके प्राइवेट स्कूल भेजने की जरूरत नहीं है, पंजाब में भी आप लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेज सकेंगे। छठा, 24 घंटे बिजली करेंगे। पावर कट लगते हैं पंजाब के अंदर, पहले दिल्ली में भी लगते थे पावर कट, दिल्ली में अब 24 घंटे बिजली आती है, पंजाब में भी 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। सातवां, 24 घंटे पानी का इंतजाम करेंगे। पानी, पीने के पानी की पंजाब के कई शहरों में समस्या है, तो पीने के पानी का 24 घंटे इंतजाम करेंगे। आठवां, मेरे पास कई व्यापारी आए, उन्होंने कहा जी ये रोज आप पंजाब आते हो, कभी कहते हो बिजली फ्री करेंगे, कभी कहते हो 1000 रुपए देंगे, कभी कहते हो हम ये करेंगे। बोले हमको तो ये लग रहा है आपकी सरकार बन गई तो टैक्स खूब बढ़ेंगे। हमने 7 साल में दिल्ली में एक नए पैसे का टैक्स नहीं बढ़ाया, तो मैं और भगवंत मान जी यहां बैठे हैं, हम दोनों आपको आश्वासन देते हैं दिल्ली के सभी व्यापारियों को कि अगले 5 साल पंजाब के अंदर कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे और कोई टैक्स नहीं बढ़ाने वाले, व्यापारी इसके बारे में निश्चिंत रहें। नौवां, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिलाएं इस टाइम काफी ज्यादा चिंतित हैं, बलात्कार की और महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। दिल्ली के अंदर हमने
पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा का नेटवर्क लगाया और इतने हमने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए 5 साल में कि आज पूरी दुनिया में दिल्ली में सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क सबसे ज्यादा है, न्यूयॉर्क से भी ज्यादा है, वॉशिंगटन से भी, लंदन से भी, सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क आज दिल्ली के अंदर है पूरी दुनिया में। पंजाब में भी जगह जगह चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे ताकि क्राइम की सिचुएशन इंप्रूव हो, अपराध कम हो, महिलाओं को सुरक्षित महसूस हो। और दसवां आखिरी पॉइंट कि जो मार्केट्स हैं पंजाब के शहरों में, उन मार्केट्स के अंदर सड़कें टूटी हुई हैं, टॉयलेट की फैसिलिटीज नहीं है, पार्किंग की फैसिलिटीज नहीं है, तो इन सभी मार्केट्स को डेवलप किया जाएगा और ये सभी फैसिलिटीज दी जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि जो शहर के लोग हैं वो इन सब बातों से सहमत होंगे और मैं समझता हूँ अगर कोई पॉइंट रह गया तो, और जब हम शहर के लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो और पॉइंट्स भी आ जाएंगे। आपके कोई प्रश्न हो तो। क्या पंजाब में फिल्म अभिनेताओं और पंजाबी सिंगर्स को टिकट दिया जाना जीत की गारंटी है, क्योंकि तकरीबन हर पार्टी में इसी तरह के चेहरे को चुनाव में उतारा गया। आम आदमी पार्टी के जो सीएम फेस है भगवंत मान, वे पहले भी खुद फिल्म अभिनेता और बड़े कॉमेडियन रह चुके हैं, इस पर क्या कहना? देखिए, राजनीति के अंदर जो भी आदमी आता है वो किसी ना किसी प्रोफेशन से तो होता ही है। अगर आप हमारे 117 कैंडिडेट देखो, उसमें आपको फिल्म अभिनेता भी मिलेंगे, सिंगर भी मिलेंगे, डॉक्टर भी मिलेंगे, इंजीनियर भी मिलेंगे, टीचर भी मिलेंगे, प्रिंसिपल भी मिलेंगे, हर किस्म के हैं। तो अगर कोई फिल्म अभिनेता और कोई सिंगर जो है वो पॉपुलर है, जनता की सेवा करता है, समाज सेवा भी करता है, लोग उसे चाहते हैं, ज़रूर आना चाहिए। किसको? किसी भी पार्टी की बात करें, महिलाओं को सीटें सबसे कम दी जा रही है, क्या बात है इसके लिए? हमने तो काफ़ी दी हैं, मेरे पास अभी फिगर जो हमारी टिकटें हैं महिलाओं के लिए, सभी पढ़ी लिखी प्रोफेसर बलजिंदर कौर तलवंडी से और फेमस आई सर्जन डॉक्टर बलजीत कौर मलोट से और इकोनॉमिक्स की टीचर सरबजीत कौर मानू के जगराओं से, डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा मोगा से, मैडम रजेंद्र छीना वो लुधियाना बेस्ट से, डॉक्टर इंद्रजीत कौर मान नकोदर से, डॉक्टर जीवन ज्योत कौर पटिया अपना अमृतसर ईस्ट से। सो जितनी भी हमारी टिकटें हैं और अनमोल गगन मान खरड़ से, तो हमारी जो जितने भी महिला कैंडिडेट हैं पढ़े लिखे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, एक सिंगर भी है उसमें, तो हमने सबको मौका दिया। जैसे राखी बिरला पहली बार इलेक्शन लड़ी तो उनको दिल्ली में डिप्टी स्पीकर बनाया गया, तो जितना भी रिप्रेजेंटेशन आएगा उनका उस हिसाब से उनको मान सम्मान दिया जाएगा। है जी, मेरे मानने न मानने से कुछ नहीं होता। एक मिनट, मेरे को बात पूरी करने दी। इशू ये नहीं है कि मैं आपको क्या मानता हूँ, मैं इनको क्या मानता हूँ और मैं इनको क्या मानता हूँ। हमारे देश में कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के तहत उनके ऊपर चार्जशीट, उनके ऊपर FIR दर्ज हुई है, उस FIR के आधार के ऊपर उनको अब एंटिसिपेटरी बेल भी डिनाई हो रही है। मैं समझता हूँ कानूनी प्रक्रिया चलेगी और अपराध करने वालों को सजा मिलेगी। तो मैंने उनको, प्रगट जी को, उनको गिरफ्तार करने से तो मना नहीं किया, मेरे माफी मांगने का, गिरफ्तारी से इन्होंने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अगली बार आप जब प्रगट जी से बात करो, उनको कहना आजादी के बाद से लेके आज तक 75 साल में ये कन्वेंशन है, रिटर्न लॉ तो नहीं है, कन्वेंशन है कि लोअर कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल जैसी रिजेक्ट होती है शाम तक गिरफ्तारी हो जाती है। इन लोगों ने उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की? अब किसी और को भी पूछने दीजिए, आप ही लोग पूछ। हाँ जी, आप हमें वोट दो, सरकार बनाओ और फिर देखना कार्रवाई कैसे होती है। एक मिनट, अब बस जितना मैंने कहना था इस मुद्दे पे कह दिया। केजरीवाल जी आपकी पार्टी के ऊपर, हैं जी, एक मिनट वो कुछ पूछ। किसकी?
भुल्लर साहब की। देखिए जी, ऐसा है, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, इसके ऊपर अकाली दल वाले गंदी राजनीति कर रहे हैं। ऐसे मामलों पे गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। दिल्ली को, दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार, दिल्ली फुल स्टेट नहीं है, दिल्ली हाफ स्टेट है। दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस दिल्ली सरकार के तहत नहीं आती, केंद्र सरकार के तहत आती है, एलजी साहब के तहत आती है। इसकी प्रक्रिया मैं बता देता हूं, ये पूरा मामला मेरे को पहले पता नहीं था, मुख्यमंत्री तक कई बातें नहीं पहुंचती, लेकिन जब मैं 2-3 बार आया और ये लोगों ने बात की तो मेरे को पता चला, मैंने सारा पता किया है। ये मामला एक कमेटी है, सेंटेंस रिव्यू बोर्ड, एसआरबी। एसआरबी के अंदर जज भी होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, वो एक कई लोगों की कमेटी होती है। तो जितने भी मामले सजा कम करने के, किसी की रिहाई के या सजा माफ करने के होते हैं, वो सारे मामले इस कमेटी के सामने आते हैं। ये कमेटी अपनी डेलिबरेशंस करके वो निर्णय देती है। इसमें जैसे मैंने बताया जज भी होते हैं, इसमें मेरी कुछ नहीं चलती। एक मिनट सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। उस कमेटी को फैसला लेने के बाद ये फाइल सीधे एलजी साहब के पास जाएगी, एलजी साहब ने इस पे फाइनल निर्णय लेना होता है। एक मिनट यार, एक मिनट बोलने दो। तो अब ये इशू ये है, मेरा जो अब मेरे हाथ में जो है, मैंने होम सेक्रेटरी, जब मेरे को पता चला, मैंने होम सेक्रेटरी को फोन करके बोला है कि भाई इस कमेटी की तुरंत मीटिंग कराओ, जल्दी से जल्दी जो हो सकता है मीटिंग कराओ। आजकल कोरोना भी बहुत फैला हुआ, किस बताया एक आध को मेंबर को कोरोना है, लेकिन मैंने कहा जो भी है जितनी जल्दी से जल्दी मीटिंग करा के, और जो भी निर्णय होता है इस कमेटी का, वो निर्णय तुरंत एलजी साहब के पास पुट अप करो, तो जो भी निर्णय होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा।